टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज लिविंग हो तो बायोटिक है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज जहाँ पे फिश को कैप्चर किया जा रहा हो, ठीक है, फिर लाइव स्टॉक है, तो ये सब बायोटिक रिसोर्सेज. उसके बाद है अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, तो उनमें लिविंग नहीं है, वो जिंदा नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग, तो उसको अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, जो मतलब ख़त्म हो जाने वाले हैं या नहीं होने वाले, एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जाना, जीरो हो जाना. रिन्यूएबल, तो ये ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है, हमेशा चलते ही रहने वाला है. एग्जाम्पल है सोलर, सन डेली आने वाला है, विंड है, एनर्जी वो भी आने वाली है, वाटर है, ठीक है, वो भी रहेगा, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये रिन्यूएबल है, मतलब वो कम हो जाए तो उसको हम, फॉरेस्ट है तो हम फिर से उसको ग्रो कर सकते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ है, अगर एनिमल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर उनका रिप्रोडक्शन और उनकी केयर ले तो फिर से वो रिन्यू हो जाएंगे. उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे क्रूड ऑयल है, कॉल है, ठीक है, तो ये सालों बाद बने थे, ठीक है, तो अब वो नियर, वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो फिर से नहीं आने वाले, एक बार ख़त्म हो गए तो वो गए. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है, जैसे कि हम अपना हाउस ओन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल है अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, तो वो खुद का रिसोर्सेज है. फिर है प्लांटेशन है, तो हमारे घर में हम गार्डन बनाए, तो वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है हमारा. पेस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, कि हमने अपने खेत में कुआं बनाया, ठीक, तो वो उसकी जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन ओन करता है. उसके बाद है कम्युनिटी, सपोज कोई विलेज के लिए कोई भी कुछ बनाया हो, या सिटी में कोई पार्क बनाया, जैसे कि रोड है, तो वो कम्युनिटी ओन है, वो सिंगल पर्सन का नहीं है, तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. एग्जाम्पल है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, यानी कि जहाँ पे डेड बॉडीज ब्यूरी होती है, फिर विलेज पॉन्ड्स है, ठीक है, तो जो कॉमन पॉन्ड है, फिर पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स, फिर प्ले ग्राउंड्स है, ठीक है, हमारी सिटी में प्ले ग्राउंड होते हैं, क्रिकेट खेले जाते हैं, ठीक है, तो ये सब है वो कम्युनिटी ओन्ड है. उसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल यानी कि कोई कंट्री जिसको ओन करती हो, तो मिनरल्स है, जैसे कि कोई भी मिनरल्स हो, तो गोल्ड हो, सिल्वर हो, मेटल हो, तो उसको हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते ज़मीन के नीचे से, वो नेशनल रिसोर्सेज है, कंट्री का है. फिर वाटर रिसोर्सेज है, रिवर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फिर लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर, ठीक, तो ये सब रिसोर्सेज है वो कंट्री बिलोंग करता है. अब 22.2 किलोमीटर, यानी कि जैसे कि हमारा इंडिया इस तरह का है, तो यहाँ से जब वाटर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ से 22 माइल तक कि जो ओशियन में जो रिसोर्सेज हो गए 22.2 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो इंडिया को है, लेकिन उसके बाद के जो है वो इंटरनेशनल है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उनका है, वो हमारा नहीं है, ठीक है, बहुत सारा सब कंट्रीज का है, कॉमन है, ठीक है, तो 22.2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये बाउंड्री तक का रिसोर्स हमारा है, उसमें जो फीस आती है वो भी हमारी है, उस तरह से हमारी कंट्री की है. उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, ठीक है, तो ये जो ओशियन है नियरेस्ट वाला, ठीक है, तो वो इंडिया ओन करता है, लेकिन उसके बाद का है तो वो पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि उसमें पोटेंशियल है अगर हम उसको यूज करें, लेकिन अभी नहीं कर रहे. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जैसे कि हमारे सॉइल के नीचे लावा है, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं. फिर जो वेव्स आते हैं सी में, उसको भी यूज़ करते हैं, वहाँ पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसकी टेक्नोलॉजी और वो सब प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे. उसके बाद है डेवलप रिसोर्सेज, यानी कि उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद है स्टॉक,
तो स्टॉक यानी कि रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको यूज़ कर पाए, ठीक है, तो वो स्टॉक में है। और उसके बाद है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या है? फ्यूचर सेविंग्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो दिस कैन बी सेव फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फ्यूचर के लिए हमने उसको रिजर्व करके रखा।